अंदाजा हो जाएगा हमको कि कितने किलोमीटर ये चली है, और एक बार टैंक फुल कराएंगे उससे पता चल जाएगा कितने लीटर पेट्रोल किया है, और फिर मैं आपको टोटल बता दूंगा कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर ये चलती है। Yeah, you shot me through the heart, casting dice and roulette. मॉर्निंग घुमकड़ो, एक और दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ, और आज आपको मैं पूरी दिल्ली घुमाने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, क्योंकि आज मैं अपनी बाइक की जो माइलेज टेस्ट है वो करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि माइलेज टेस्ट करो, माइलेज टेस्ट करो, तो मैंने सोचा आज माइलेज टेस्ट कर देता हूँ। और जिस तरह पेट्रोल महंगा हो रहा है तो एक दिन तो वैसे भी वो सुनार की दुकान पर बेचा जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा एक बजट वीडियो जरूर होनी चाहिए, जो कि आप लोग कोई बाइक परचेज करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एवरेज, उसकी मेंटेनेंस कितनी है। इसलिए लास्ट वीडियो मैंने मेंटेनेंस की, जो कि फर्स्ट सर्विस है जावा 42 2.1 की, वो कराई थी, तो आप अगर वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसकी फर्स्ट सर्विस या उसकी कॉस्ट या उसकी जो मेंटेनेंस है वो कितनी है, और आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा इसकी माइलेज की। तो चलिए आज दिल्ली घूमते हैं घुमकड़ो। तो हेलो घुमकड़ो, कैसे हो आप सब? आई होप के सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और यार खुशी रहना चाहिए क्योंकि खुश रहने से हेल्थ ठीक रहती है। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक ही फैसला लकी फैसला पर। तो सबसे पहले टैंक फुल करा लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए एग्जैक्ट इसकी जो माइलेज है वो कितनी है। फुल कर दीजिए। जीरो। चलिए, पेट्रोल के रेट भी रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं। फुल करना है जितने का आ जाए। थोड़ा पेट्रोल इसमें पहले भी था और थोड़ा अब डलवा दिया है। टैंक बिल्कुल फुल कर लेंगे जिससे पता चल जाए कि एग्जैक्ट माइलेज कितनी है। और इसका जो टैंक है वो है 13 लीटर का, तो पेट्रोल थोड़ा पहले भी था और अब आया है अराउंड 6 लीटर आ चुका है, 7 लीटर हो जाएगा। हो गया। बस तो बिल्कुल टैंक फुल करा दिया है। टैंक फुल करा लिया है और मैंने स्लिप भी ले लिया, जो कि आपको मैं एग्जैक्ट दिखा सकूं। 606 रुपये का पेट्रोल आया, बाकी पहले भी था। जो ओडोमीटर है वो आ रहा है अभी 1020, लेकिन मैं इसका जो ट्रिप मीटर है उसको जीरो कर देता हूँ। ये ट्रिप ए है, ये इसका ट्रिप बी में मैंने जीरो कर दिया, तो इसकी ट्रिप ए और बी मैंने दोनों जीरो कर दिए जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए। वैसे जब मैंने ये परचेज़ की थी, मेरे से बोला था कि जो टैंक है बिल्कुल फुल नहीं कराना है, 3 लीटर कम डलवाना है, मतलब इसकी 13 लीटर 14 लीटर की टैंक है, तो इसमें 11 लीटर मेरे को डलवाना है, क्योंकि ये BS6 इंजन है और ज़्यादा जब हम फ्यूल टैंक रखेंगे तो मिसिंग मारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट आपको बतानी है इसकी माइलेज कितनी है, इसलिए मैंने टैंक फुल करा लिया है। और हमें क्या है, हमें तो चेरी को घुमाने का बहाना चाहिए, और बहाना मिल गया है। और आज है 25 मार्च थर्सडे, और मौसम यार आज फिर थोड़ा ठंडा हो गया। मैं टी शर्ट पहन के आया था और मुझे हल्की हल्की सर्दी लग रही है, जैकेट पहन के आना चाहिए था। चेरी का साथ और आप लोगों का साथ मिल के यार मन खुश हो जाता है, पूरा दिन मस्त जाता है मेरा। तो सूरज देवता ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा हाथों का ध्यान रख दिया जाए, नहीं तो सूरज देवता हमें कालू कर देंगे। और ये सही जुगाड़ है हमारे पास जिससे हम शायद बच जाएं धूप से। और अब अपनी चेरी चल चुकी है 25 किलोमीटर, और मैं जा रहा हूँ पुरानी दिल्ली की तरफ, थोड़ा उधर घूम के आते हैं, थोड़ी उधर तफरी करके आते हैं। और मौसम यार बढ़िया हो गया, धूप हो रही है, इसलिए मैंने हाथ पे ये पहन तो लिया था, लेकिन हवा बढ़िया चल रही है, मतलब गर्मी फील नहीं हो रही है, क्योंकि हिल स्टेशन पर बर्फ़ पड़ी है, मनाली और भी काफ़ी जगह बर्फ़ पड़ी है, जिसकी वजह से दिल्ली में मौसम बढ़िया हो गया है। और यार लास्ट वीडियो में मैंने लॉकडाउन की बात की थी, तो लॉकडाउन के चांसेस हैं कि होली के टाइम हो जाए, क्योंकि राजस्थान में एंट्री करने के लिए अब कोविड पास मांग रहे हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल कर दी गई हैं, बाकी देखो 1-2 दिन में पता चलता है। और इसी चक्कर में मेरे को भी डाउट हो रहा है कि मुझे हिल स्टेशन जाना चाहिए या नहीं, कुछ ऐसा ना हो कि मैं हिल स्टेशन जाऊँ और लॉकडाउन हो जाए और मैं उधर ही फंस जाऊँ। और जो मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ वो सिटी में ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको सिटी में ही चलाएंगे, हाईवे पर बहुत कम ले जाने वाले हैं। और फिर भी बोलोगे तो आप, मैं हाईवे की भी अलग एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ माइलेज टेस्ट जो है वो सिटी में कर रहा हूँ, क्योंकि सिटी का पता चल जाए आपको सिटी में क्या एवरेज आती है। और इसीलिए आज सिटी में पूरी दिल्ली का हम भ्रमण करेंगे, पूरी दिल्ली में घूमेंगे। अभी मैं नॉर्थ साइड था, अब मैं आ गया हूँ पुरानी दिल्ली, और फिर नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, सारे में घूम के अच्छा खासा इसको चलाकर फिर अंदाजा हो जाए
जाएगा हमको कि कितने किलोमीटर ये चली है, और एक बार टैंक फुल कराएंगे उससे पता चल जाएगा कितने लीटर पेट्रोल किया है, और फिर मैं आपको टोटल बता दूंगा कि एक लीटर में कितना किलोमीटर ये चलती है। और यहाँ पे मास्क के चालान काटे जा रहे हैं, उसके लिए खड़े हुए हैं पुलिस वाले। और अब हम आ गए हैं कश्मीरी गेट। इसको हर जगह ऐसी ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ थोड़ा क्राउड भी हो, जहाँ ट्रैफिक भी हो, जहाँ नॉर्मल भी हो, जैसा डेली रूटीन में यूज होती है उस तरह इसको यूज कर लिया जाएगा। कोई कहीं पर चलाएगा, कोई ट्रैफिक में है, कहीं रेड लाइट, तो उसी तरह आज इसको चलाएंगे जिससे माइलेज एग्जैक्ट पता चले कि सिटी में क्या एवरेज आती है। बाकी जितना चल रही है मैं सारी तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर सारी वीडियो बनाऊंगा तो अराउंड में 50-60 किलोमीटर चलाता हूं तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। और मेरे लेफ्ट में है लाल किला। लाल किला मैं आ गया हूँ, और इधर से नजारा देख लेते हैं। लाल किला कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। हल्का सा यू टर्न लेकर इस पटरी पर चला लिया है, और ये कमेंट्स मत करना पटरी पर चला रहा हूँ, ये पटरी नहीं है, यहाँ पर कार पार्क होती है, बाइक पार्क होती है, देख सकते हो। और इधर से हो जाते हैं लेफ्ट अब दिल्ली गेट की तरफ, और लेफ्ट में मेरे ये लाल किला ही चल रहा है। जो दिल्ली से है उसको ज्यादा रास्ते ये समझ आ रहे होंगे, और जो दिल्ली से नहीं है वो रास्ते का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। और सर्विस के बाद चेरी को चलाने का अलग ही मजा आ रहा है, अलग ही फील आ रहा है। और कितनी भी स्पीड में चलाओ, पहले मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा था। और जो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है उसका जो अभी सॉल्यूशन है मैं ठीक से नहीं बता सकता, क्योंकि उतना ट्रायल मैंने लिया नहीं है, वो तो कहीं ऑफ रोड या हिल स्टेशन पर जाकर पता चलेगा। और मैंने किसी दोस्त को या फ्रेंड को अभी इस पर पीछे बैठाया भी नहीं है जो मैं बता सकूं, क्योंकि थोड़ा वेट होता है, उसी के बाद वो टच होती है। अभी तक तो नहीं हुई है टच जब से सर्विस करा के आया हूँ नीचे, लेकिन उसके लिए मैं ज़रूर जब जाऊँगा कहीं लॉन्ग राइड पर जब आपको बताऊंगा। इसका जो एग्जैक्ट है वो हिल स्टेशन पर ही जाकर पता चलेगा। सर्विस से पहले ना ये नॉर्मल जैसे मैं चल रहा हूँ, हल्का फुल्का ब्रेकर या हल्के फुल्के गड्ढे, और मेरे साथ मेरा दोस्त है कोई पीछे, तो ये जरूर टच हो जाती थी, क्योंकि मेरा वेट है 100+, फिर मेरे दोस्त का वेट, तो काफ़ी वेट हो जाता था, उसकी वजह से टच हो जाती थी। बस ये है कि सर्विस के बाद मैंने चला ही नहीं है, कल मैं सर्विस करा कर आया था, उसके बाद आज चला रहा हूँ। और अब मेरे लेफ्ट में आएंगे प्राचीन मंदिर जो हनुमान जी का है, जिसे मरघट वाले बाबा भी कहते हैं, तो सीधा दर्शन कर लो इधर से। जय बजरंगबली, जय हो हनुमान महाराज की जय। और मेरे लेफ्ट में था 30,000। अब जो पेट्रोल पंप आएगा मैं पेट्रोल डलवा लूंगा, क्योंकि ये चल गई है अभी 33 पॉइंट कुछ हो गया है, तो जाते जाते 35 अराउंड चल जाएगी, और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा इसकी एवरेज होगी। तो चलकर पेट्रोल डलवाते हैं, टैंक फुल जितने में होगा तो ये पता चल जाएगा इतने रुपए का पेट्रोल लगा है, इतना लीटर, और कितनी उसमें चली है, तो उस हिसाब से मैं आपको एवरेज निकाल कर दे दूंगा एक लीटर में कितना चलती है। सर्विस के बाद फर्स्ट टाइम मैंने चलाई है 60, और इस तरह के खुले रोड मिले ही अब है तो चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। कुछ देर की खुशी और फिर वही ट्रैफिक। और अब पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल डलवाते हैं पहले। यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है, फुल कर दो। 90 रुपीज़ 82 पैसे फुल है, लेकिन थोड़ा सा कम है ना, जितना कम है उतना डाल दो, जितना भी आ जाए डालो डालो। बस 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 बस, पूरा टैंक ऊपर तक फुल हो गया है, आपको दिख रहा होगा। और ये आया है 120 रुपीज़। बिल्कुल अभी अभी मैंने टैंक फुल कराया, और साइड में लगाई है आपको दिखाने के लिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ओडोमीटर था वो है 1061, यानी कि 41 किलोमीटर चली है। मैं आपको ट्रिप वन ट्रिप बी भी दिखा देता हूँ। ट्रिप वन है जो ट्रिप ए वो 41.4, और ट्रिप बी भी 41.4, क्योंकि मैंने एक साथ ट्रिप वन और ट्रिप टू जीरो कर दिया था। तो अब इसको मैं लगाते हैं, अभी जो डला 120 रुपीज़ का पेट्रोल इसमें आया है, तो 120 को अगर हम करते हैं तो इसका आता है 2 रुपीज़ 93 पैसे, जो पर किलोमीटर है वो 2 रुपीज़ 93 पैसे है। पेट्रोल जो है दिल्ली में 90 रुपीज़ 80 पैसे हैं, तो 90 रुपीज़ 80 पैसे को अगर मैं करूं और चली है 41,
तो ये एवरेज आई है 30 किलोमीटर 75, मतलब आप मोटा मोटा मान लीजिए एक लीटर में ये चलेगी 31 किलोमीटर, जो कि सिटी में है। सिटी में इसकी जो एवरेज आई है 31 आई है। हाईवे की भी अगर आप कहेंगे मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, ये आज मैं हिल स्टेशन पर जाऊंगा एक बार, जब हाईवे की भी देख लूंगा। तो चलिए दोस्तों, माइलेज मैंने आपको बता दी है 31 की इसकी माइलेज आई है सिटी में। और इसी के साथ इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट्स करना क्या अच्छा क्या बुरा लगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर। बाय टाटा, सी यू।